कराची के शारा फैसल से रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैं शारा फैसल पर इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ जून ही बारिश तेज हुई है, उसके साथ सूरत हाल खराब हो गई है और पानी की इस वक्त तेज रफ्तारी जो है वो ट्रैफिक की रवानी को मुतासर कर रही है। बहुत तेजी के साथ सारे रोड और असरा की गलियों से पानी शारा फैसल में दाखिल हो रहा है, जिसके बाईस सूरत खराब हो चुकी है और इसके बाईस बदतरीन ट्रैफिक जाम हो रहा है। सूबाई हुकूमत ने दिन भर यहाँ पर नकाशी आपके लिए इंतजाम कर रखे थे, लेकिन पूरी शाम 7 बजे के बाद बरसात तेज हुई है, उसके बाद एक मरतबा फिर सूरत हाल खराब हो गई है। सारी रोड से निकलने वाला पानी इस वक्त चेहरे मैदान पर जमा हो रहा है, जिसकी नकाशी के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है। इसके बाईस पूरा कब्रस्तान से लेकर लाल कोटी तक का जो मकाम है जहाँ पानी इसकी जो मकान है वो इंतहा से ज़्यादा है। गाड़ियाँ मुसलसल यहाँ पर खराब हो चुकी है, मोटरसाइकिल के लिए ये हिस्सा जो है वो नाकाबिले इस्तेमाल करा दिया जा चुका है। पानी ज़्यादा हो जाने के बाईस ना किसी मोटरसाइकिल छोटी जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर मुसलसल खराब हो रही है, लेकिन इंतजामिया अब तक यहाँ नहीं पहुँची है। गुजरने वालों को जदीद मुश्किल का सामना है। ये कराची की मरकजी शाहरा कहलाती है जो कि सिर्फ एयरपोर्ट नहीं बल्कि शहर के तमाम डाइवर्जन को रास्ता देती है। इस सड़क का ये हाल है, मदीना रसीना पूरा दिन कराची की सड़कों पर नकाबी आग का इंतजाम करते रहे, लेकिन इतनी शाम के बाद बरसात तेज हुई है, सूरत हाल एक बार फिर कराची खराब हुई।